रहे हैं हम लोग वृंदावन में, हम जा रहे हैं बाकी बिहारी की, और पहले भी जा चुके हैं, और आपको शायद आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी बट हवा बहुत तेज है और मौसम बहुत अच्छा है, और इस वक्त हम रास्ते में हैं और सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे वृंदावन। लेकिन जो यहां का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है जो कि आप देख पा रहे हैं, और हवा भी चल रही है, हवा तेज़ चल रही है, हल्की हल्की ठंडी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, सब अच्छा, लेकिन ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए, मौसम अच्छा है तो और मज़ा आता है। और फिर हमें आधा घंटा लगेगा और हम पहुँच जाएंगे, और मैं अपने दोस्त से भी मिलवा देता हूँ आपको, आकाश शर्मा, वो भी साथ में आए मेरे। मेरा नाम है आकाश शर्मा और हम एक नए टूर पर निकले हैं वृंदावन बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने के लिए, और बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है, बहुत अच्छा है, यहाँ से वहाँ तक बहुत अच्छा लग रहा है, फिर हम आपको आगे और दर्शन कराते हैं। आकाश कहाँ, अभी हम कहाँ पहुँच गए? अभी हम कोसी पहुँच गए हैं और हम थोड़ी देर में ही वृंदावन पहुँच जाएंगे आधे घंटे के अंदर। चलिए फिर अब राधे 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 राधे, आगे चलते हैं फिर। चलिए आकाश, इस वक्त हम चाय पी रहे हैं, कहीं जगह हम रुके हैं, सोचा हमने कहीं काफ़ी टाइम हो गया था, 100 किलोमीटर हो चुके थे, चाय पीने का मन किया और हम कहीं चाय पिए, चाय काफ़ी अच्छी है, टेस्टी है। चलिए इससे अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट पहुँचते हैं, कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। शर्मा, आपका दोबारा स्वागत करता हूं, और जैसा कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि हम कब वृंदावन पहुंचेंगे, और हम वृंदावन की नगरी पहुंच चुके हैं, और बिल्कुल जस्ट बाकी बिहारी जी मंदिर पास में ही है, और थोड़ा सा हमने होटल में आ चुके हैं, बट थोड़ा सा रिलैक्स होके रेडी हो गया, तब हम 5 से 10 मिनट में हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे, और रूम तो खैर ठीक है, ज़्यादा हमें नहीं दिखाना था, और दो लोग, हम दो दोस्त हैं एसी में हैं, रूम छोटा सा है बट क्यूट सा रूम है, थोड़ा सा रंग बिरंगा अच्छा लगा। फिलहाल जो हमारा मोटिव था, हम दर्शन के लिए जा रहे हैं ताकि हमें दर्शन प्राप्त हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आया था तो मुझे दर्शन नहीं हुए थे, वो दर्शन नहीं कर पाया था, तो आज जाके वो मौका मिला है। राधे 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 राधे, हम लोग आ चुके हैं वृंदावन, काफ़ी भीड़ भाड़ है, शनिवार का दिन है, आप भीड़ देख ही रहे हैं, तो बस लम्हे का इंतज़ार है और हम पहुंच रहे हैं, बस 2 मिनट लगेंगे हम लोग पहुँचते हैं, जा रहे हैं हम लोग बाकी बिहारी जी का दर्शन करने, बस पहुंच गए हैं हम लोग, दौड़ पे ही हैं। राधे राधे, चल चल। राधे राधे, बस रास्ते में हम लोग पहुँच रहे हैं, आज का दर्शन हो जाएंगे मेरे को आज। राधे
दो नंबर खिड़की बंद करवाए भाई सुरक्षा कर्मी पे। श्री बाके बिहारी लाल की जय। तो आखिरकार दर्शन हो चुके हैं, और जो पिछली बार मेरे को दर्शन नहीं हुए थे और अधूरे रह गए थे, वो इस बार पूरे हो गए। और करीब से, दूर से, हर तरह अच्छे से मैंने दर्शन किए हैं जो आज। और मन एकदम खुश है कि आज मैं आया। थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया था, बट मैंने दर्शन अच्छे से कर लिए। और भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, शाम को और तेज़ भीड़ हो जाएगी। आखिरकार दर्शन हो गए, राधे राधे। इस वक्त मैं यमुना जी के यहाँ हूँ, और यहाँ पे आप नौका सवारी कर सकते हैं, और कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। तो जैसे कि मैं पास, मेरे पीछे खड़े हैं, तो राधे राधे। यहाँ भी आ जाऊँ एक बार, देख लूँ, यहाँ भी अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, इस बात की ज़्यादा खुशी है, ना गर्मी है ना ठंडी है। राधे राधे, राधे राधे। इस वक्त मैंने सोचा चलो आ ही गए हैं तो नौका की सवारी क्यों ना कर ली जाए। ऐसे मुझे चक्कर आते हैं, बट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा रूफ टाइप का है, बट मज़ा आ रहा है। और हवा अच्छी है, और एनवायरनमेंट ग्रीनरी अच्छी दिख रही है। तो थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से भी निकलेंगे, थोड़ा सा आगे तक मंदिर तक जाएंगे, और अच्छा लग रहा है बस, और क्या कहूँ आपको। दर्शन भी हो गए, और कुछ इस तरह का वातावरण भी दिख रहा है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप देख, राधे राधे, राधे राधे। हम दोनों स्तंभ नौका की सवारी करते हुए, और इतना मौसम इतना अच्छा है कि अगर आप देखो, मैंने आपसे दिखाई है, अगर शाहरुख खान होता तो क्या करता। भीने भीने। वैसे हम अपना अपना स्टाइल भी कुछ अलग है। हम ऐसे करेंगे। थैंक यू गॉड। कम ही मौका मिलता है हम जैसे लोगों के लिए, हम इतने व्यस्त रहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, मगर एक कैसे ना, एक बुलावा जब आता है तो हमें आना ही होता है। तो आज वो दिन था, हमें दर्शन भी हो गए, और आज हम यहाँ पर हैं। ये देखो वृंदावन का नज़ारा, कितना हसीन, कितना मनोहर दृश्य है यहाँ का। ये देखिए सूर्य की ढलती किरणें, सूर्य का अब अस्त होने का टाइम आ रहा है, 5:30 बज गया है, 6 बजने वाला है। और यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण भगवान अपनी लीलाएँ करते थे, अपनी गैया चराते थे। कितना अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद, कितना अच्छा सुकून मिलता है। राधे राधे। ये देखिए गौरव शर्मा अलग ही इंजॉयमेंट लेते हुए यहाँ पे यमुना मैया का। और यमुना मैया भी देखिए कितना दूर तक, कितनी अच्छी विस्तार है इनका। अब आपको मैं क्या कहूँ, इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मतलब सूर्य भगवान के दर्शन छुपते हुए हो रहे हैं, और ठंडी ठंडी हवा, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं, मेरे को कैसा लग रहा है। बस ये आपका कहने का मतलब, शब्द नहीं है आपके पास, शब्द नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और यमुना जी के दर्शन अलग हो रहे हैं, कितनी अच्छी धूप छुपती हुई सूर्य भगवान। ये
ये देखिए हमारे बस